हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर टेक्निकल इमरान खान। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हाँ दोस्तों, हमारे मोबाइल फोन के सिम कार्ड में ये ऑप्शन आ जाता है जिसकी वजह से हमारे सिम कार्ड के नेटवर्क में इमरजेंसी कॉल्स आ जाता है और हमारा कॉल कनेक्ट नहीं होता। तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको कम्प्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर हर रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। हाँ दोस्तों, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन में इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे मोबाइल फ़ोन में इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम आया है। तो इसको कैसे ठीक करना है अब मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको अपने सेटिंग्स ऐप में जाना है। सेटिंग्स ऐप में आने के बाद यहाँ पर आपको डुअल सिम्स एंड मोबाइल नेटवर्क ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और आप अपने डुअल सिम के सेटिंग्स पेज में आओगे, यहाँ पर आपको अपना सिम सेलेक्ट करना है जो आपके मोबाइल फ़ोन में इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम आ रहा है। वो सिम को सेलेक्ट करके उस पर आपको क्लिक करना है। तो नीचे आपको सिम के ऑप्शन होंगे, तो वहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है। तो मेरे मोबाइल फ़ोन में सेकंड सिम में ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ। और आपके सामने अपने सिम कार्ड के सभी सेटिंग्स शो होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे कैरियर ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और आप अपने सिम कार्ड के नेटवर्क रजिस्ट्रेशन सेटिंग्स पेज में आओगे, तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे नेटवर्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन और सर्च ऑप्शन होगा। हाँ दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन में ये सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो उसको आपके मोबाइल फ़ोन में ठीक करना है और आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क ठीक से आने लगेगा और इमरजेंसी कॉल्स ओनली ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हाँ तो दोस्तों, ये आपके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन ऑप्शन ऑन होगा, तो इस ऑप्शन को आपके मोबाइल फ़ोन में ऑफ कर देना है और ये नेटवर्क को सर्च करने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क सर्च हो रहा है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो नेटवर्क सर्च हो चुका है और यहाँ पर आपको बहुत सारे नेटवर्क शो हो रहे हैं। तो इसमें आपको आपका कौन सा सिम है उस नेटवर्क को सेलेक्ट करना है और उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 2G 3G 4G नेटवर्क सभी होंगे, तो उस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और आपके मोबाइल फ़ोन में वो नेटवर्क रजिस्टर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। और आपका इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका ठीक से नेटवर्क आने लगेगा। हाँ तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जियो नेटवर्क आ चुका है। तो आप भी इस तरह अपने मोबाइल फ़ोन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये सभी नेटवर्क शो नहीं हो रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन ऑप्शन ऑन कर देना है और आपका नेटवर्क रजिस्टर हो जाएगा और आपका इमरजेंसी कॉल्स ओनली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपका ठीक से नेटवर्क वर्क करने लगेगा। हाँ तो दोस्तों, इस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन में अपने सिम कार्ड का नेटवर्क रजिस्टर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोज़ इस चैनल पर हर रोज़ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।